फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट के बारे में 10th और 12th के। जैसा कि आपको पता है 10th और 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं सीबीएसई बोर्ड के, वो कंडक्ट हो चुके हैं। अब बारी है इसके रिजल्ट की। तो सभी स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि रिजल्ट कब तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा 10th और 12th का, ठीक है। तो आपको बता दें 10th के रिजल्ट को लेकर के अपडेट है और 12th के रिजल्ट को लेकर के अपडेट है। कब तक रिजल्ट जारी होगा आपको बता दें 12th का पहले। तो 12th के जो कॉपी चेकिंग होती है वो अभी चल रही है, अभी उसकी चेकिंग पूरी नहीं हुई है। इसका जो अनुमान बताया जा रहा है ऑफिशियली कि 28 जून तक आपकी कॉपी चेकिंग पूरी हो जाएगी 12th के, ठीक है। तो इसके बाद जो 12th का रिजल्ट है वो कब आएगा वो भी बता देते हैं आपको। 12th का रिजल्ट 28 जून को आपकी कॉपी चेकिंग पूरी होने के बाद जो एक्सेप्टेड डेट आ रही है वो आ रही है 15 जुलाई। 15 जुलाई तक जो आपका 12th का बोर्ड रिजल्ट है वो जारी करने की पूरी जानकारी सामने आ रही है। उसके बाद अभी 10th की भी बात करेंगे, तो 10th का रुकिए, पहले 12th की बात कर लेते हैं। आपको पता है 10th की बाद में करते हैं, पहले 12th की बता दें। 12th की जो डेट है वो 15 जुलाई एक्सेप्टेड आ रही है, 15 जुलाई के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। वहीं 10th के जो रिजल्ट की अपडेट आ रही है, बाकी सभी न्यूज़ पोर्टल से भी जो न्यूज़ आ रही है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है, ये पूरी तरह से कंफर्म न्यूज़ है। और वहीं जो 12th का है वो सेकंड वीक यानी 15 जुलाई के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो पाएगा। ये है अब तक की पूरी लेटेस्ट अपडेट है कि 15 जुलाई के बाद आपका 12th का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। वहीं फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका 10th का जो बोर्ड रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जैसे डिक्लेयर होगा हमारे चैनल के माध्यम से सूचना मिल जाएगी। यही लेटेस्ट अपडेट थी, बताना था। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, ठीक है। धन्यवाद।